आप देख रहे हैं KDS न्यूज, बेहतरीन खबर के हमारे चैनल पर लाइव। हमारी सरकार ने इसे एक अभियान के रूप में लिया है। इस अभियान के क्रम में प्रदेश के अंदर पहली जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव का कार्यक्रम वन विभाग करता है और प्रतिवर्ष 2017 से लेकर के अब तक हम लोग इस अवसर पर बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करते हैं। पहले साल 5,71,00,000 वृक्ष हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लगाए थे, दूसरे वर्ष 11,77,00,000, तीसरे वर्ष लगभग 23,00,00,000, विगत वर्ष कोरोना के बावजूद हम लोगों ने 25,87,00,000 वृक्षारोपण वन विभाग के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश के अंदर जगह जगह लगवाए थे और इस वर्ष 30,00,00,000 से अधिक वृक्षारोपण का एक अभियान हम लोगों ने इस वन महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर रखा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रातःकाल से ही अब तक कोरोना महामारी के बावजूद लोगों में जो उत्साह है, 9,00,00,000 से अधिक वृक्षारोपण अब तक प्रदेश के अंदर हो चुका है। वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में बहुत सारे इवेंट हैं, जैसे वृक्षारोपण में पंचवटी, नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका, ये इसको तो एक इवेंट बनाया ही जा रहा है। 100 वर्ष पुराने जितने भी पेड़ हैं उन्हें विरासत वृक्ष के रूप में, हेरिटेज ट्री के रूप में भी संरक्षित करने के एक बृहद अभियान के साथ सरकार कार्य कर रही है। इस बार एक नया चीज हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है, हर ग्राम पंचायत में, हर मोहल्ले में कोरोना कालखंड में जो लोग दिवंगत हुए हैं उन सब के प्रति, उनके परिवार जनों के प्रति हमारी संवेदना है और उन दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने की दृष्टि से प्रदेश के हर नागरिक से हम लोगों ने अपील की है कि वह इस अवसर पर एक स्मृति वाटिका अपने अपने ग्राम पंचायत में स्थापित करें। ये स्मृति वाटिका उन दिवंगत आत्माओं की स्मृति में कई फलदार वृक्ष, कई छायादार वृक्षों को लगाकर, कई इमारती लकड़ियों को, कहीं औषधीय वृक्षों को लगाकर, कहीं पंचवटी लगाकर, कहीं पर नवग्रह वाटिका या नक्षत्र वाटिका के माध्यम से उन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने का एक अभिनव कार्यक्रम भी हम लोगों ने लिया है। मुझे देख के यहाँ अच्छा लगा कि स्मृति वाटिका भी यहाँ पर लगाई गई है और जो एक हेरिटेज ट्री के रूप में हम लोगों ने एक वट वृक्ष को यहाँ पर आज उसका पूजन भी किया है। 100 वर्ष पुराना है, बहुत भव्य और दिव्य है। मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप उसके स्नैप लेकर के पब्लिक के बीच में भेजें। हर गांव में हेरिटेज वृक्ष होगा, हर जनपद में होंगे, उनको संरक्षण करने की भी हम सब की महती जिम्मेदारी है और इसलिए इस अभियान को लेकर के हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इस बार हाईवे, एक्सप्रेसवे और सभी मार्गों के दोनों ओर खाली जगहों पर, सुरक्षित स्थानों पर वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने संकल्प लिया। साथ साथ नदियों के दोनों तटों पर जब बाढ़ से बाहर का क्षेत्र होता है उस पर भी व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि वृक्षारोपण का वन विभाग के नेतृत्व में यह अभियान
जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभाग मिलकर के सहयोग कर रहे हैं, सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष से चलाए जा रहे वृक्षारोपण महाभियान के क्रम में 100 करोड़वां वृक्ष भी लगाया है। यानी ये अपने आप में एक प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने वृक्ष हम लोग लगा रहे हैं, इनका जियो टैगिंग करने की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे वृक्ष के बारे में जानकारी लेना, उसके संरक्षण के लिए उचित उपाय करना। और ये अभियान निरंतर आगे बढ़ कर के हम लोग आम जनमानस को भी इनके साथ जोड़ सकें, इस दिशा से कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। मैं आज के इस अवसर पर वृक्षारोपण महाभियान और वन महोत्सव के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास करता हूं कि अपने अपने लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में प्रत्येक नागरिक वृक्षारोपण इस महाभियान के साथ जुड़ करके वृक्षारोपण के इस महान और पुण्य कार्य के साथ जुड़ करके पर्यावरण और प्रकृति के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद।